औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव कंप्लीटेड 9 चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आई थिंक द पेस दैट वी आर गोइंग विथ इज वेरी ग्रेट एंड आई आल्सो एक्सपेक्ट ऑफ यू दैट यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। हाउएवर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई एम जस्ट सेल फोन अवे। Today, maybe in the end of lecture, I will write for you and orally also tell you my cell phone numbers, so that if any student have any problem whatsoever, they can contact me. We are starting a very important chapter of first year biology. It covers most of the zoology part of the subject, that is kingdom Animalia, chapter number 10. If you look into this slide in the screen, they are all, there are fungi as you can see here, there are plants as you can see here, there are invertebrates, there are vertebrates, there are protozoa, there are fishes, almost every, that's paramecium. This is a biochemistry. So this picture in a way it gives a very comprehensive look. So let us start with chapter number 10. Today I will be teaching you the basic terminology, because jab ye chapter mein tafseel se padhaunga to main aise aise terms istemal karunga ki agar main pehle uski wazahat nahi kar paunga, nahi karunga, तो आपको समझने में मुश्किलात पेश आएंगी। मसलन अगर मैं प्लेटीहेलमिंथ पढ़ा रहा हूँ, फाइलम प्लेटीहेलमिंथ, और कहता हूँ कि ये सूडोसीलोमेट होते हैं या एसीलोमेट होते हैं, तो जब आपको पहले से पता ही नहीं है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये एसीलोमेट क्या है, सूडोसीलोमेट क्या है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो इसके लिए पहले मैं हमेशा टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूं। सबसे पहले तो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एनिमल्स यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अगर कोई यूनिसेल्यूलर है तो वो प्रोटिस्टा में चला जाएगा, और एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती। ये वाहिद किंगडम है जिसमें सेल वाल नहीं होती, और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और ये फूड को फंगस की तरह एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि इंजेस्ट करते हैं। फिर इसको पहले मैकेनिकली डाइजेस्ट करते हैं अगर फूड सॉलिड फॉर्म में है तो, और फिर उस सॉलिड फूड की केमिकल डाइजेशन होती है, और ये सिलसिला माउथ से शुरू होकर रेक्टम तक चलता रहता है, जो कि 26.5 फीट लेंथी डाइजेस्ट सिस्टम है। स्टूडेंट्स, ये आपको एक छोटा सा ग्राफ नजर आ रहा है कि ये सारे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारी शुरुआत प्रोटिस्टा से हुई, फिर मुख्तलिफ ब्रांचेस में एनिमल्स बनते गए, और ये सिलसिला इसी तरह से चला। आप जानते हैं कि किंगडम एनिमेलिया को आप दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स, और बुनियादी फर्क इनटू इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ये है कि इन इनवर्टिब्रेट्स द वर्टिब्रल कॉलम, what you call in very simple English backbone, that is lacking. Invertebrates में backbone यानि vertebral column नहीं होता, जबकि vertebrates में backbone यानि vertebral column होता है। Fishes, amphibians, reptiles, birds और mammals, इन पांच groups में वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो ये वर्टिब्रेट्स भी कहलाते हैं, कॉर्डेट्स भी कहलाते हैं। बाकी जो फाइला हैं, ओरिफेरा है,
नाइजेरिया है, प्लेटी हेलमेंट है, नीमाटोडा है, एनालीडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकानोडर्मेटा है, इन तमाम फाइला में, मैं फाइला कह रहा हूँ, आपने अक्सर करके फाइलम सुना होगा, फाइलम एक को कहेंगे और अगर ज्यादा होंगे तो फाइला बोलेंगे। तो ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए वो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। स्टूडेंट्स, जानदार चाहे इनवर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट हो, उसके पास एक बॉडी होती है और बॉडी दिखती कैसे है इसको तीन हिस्सों में समझा जा सकता है। बाज जानदारों का जिस्म एसिमेट्रिकल होता है, अजीब और गरीब सी बनावट होती है, पता नहीं चलता कि इसका हेड कहाँ है और टेल कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है और पांव कहाँ है, इसका इंटीरियर कहाँ है और पोस्टीरियर कहाँ है, इसके लेटरल साइड्स कौन कौन सी पता नहीं चलता। तो ऐसे जानदार जिनके जिस्म में कोई सिमेट्री नहीं है, कोई यकसानियत नहीं है, दे आर कॉल्ड ए सिमेट्रिकल। ए मीन्स नो, सिमेट्री मीन्स सिमिलरिटी, तो इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरे वो जानदार होते हैं जो कहलाते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ये सी एनीमून देखें आप। अच्छा, इसको देखने से पहले तस्वर में एक फुटबॉल ले आए, तस्वर में एक वाटर मिलन ले आए, आप किसी भी एंगल से उसको इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। सच एनिमल्स विच कैन बी कट इन टू इक्वल पार्ट फ्रॉम एनी एंगल, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली रेडियस से निकला, रेडियस मीन्स आलम। और ये जो इंसेक्ट है जिसमें फिश भी इसी ग्रुप में आता है, मैं और आप भी इसी ग्रुप में आते हैं, ये हो गए बायलेटरल सिमेट्रिकल। बाय माना दो और लेटरल माना साइड। चलो मैं थोड़ा सा अपनी मोबाइल पे ये एंगल समझा देता हूं। ये डार्सल है ऊपर वाला, ये वेंट्रल है नीचे वाला, ये सामने वाला एंटीरियर है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर है, और मेरे हाथों ने जिन डायरेक्शंस को पकड़ा हुआ है ये लेटरल है। डार्सल, चलो मैं ऊपर समझा देता हूं, डार्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। तो आप इस इंसेक्ट की देखें कि दो लेटरल साइड है, एक ये इधर से लेकर इधर तक, दूसरी ये दोनों सेम है। बाय माना टू, लेटरल माना साइड, सिमेट्री माना सेम। आप मछली को काटें तो उसके दो हिस्से इक्वली हो जाते हैं। अगर इजाजत दे तो मैं आपको, आप इसे किसी को डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर यूं तलवार लगाकर काटूं, दो हिस्से हो जाए। तो बाज जानदार एसिमेट्रिकल होते हैं, बाज रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और बाज बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अब देखिए, अब आपको बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं फाइलम्स पढ़ाता और ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता तो आप एक दूसरे को देखते रहते, या अगर कोई सामने नहीं है तो फिर सोचते कम से कम कि बात क्या हो रही है। तो ये देखिए, मल्टीमीडिया ने सारे मसाइल आसान कर दिए। सीलोम, देखें ये जो हमारी हमारा पेट है, बाज जान पेट तो खैर सभी जानदारों में होता है, लेकिन बाज जानदारों में इसको कहते हैं बॉडी कैविटी और बाज में इसको कहते हैं सीलोमिक कैविटी। इट इज अ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन सेक्चुअली। तो सीलोम क्या है? इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी फाउंड इन मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये सीलोम करता क्या है? क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा होता है ना, ये खाली सा गुब्बारा है उस पर फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कुशन, इंटरनल ऑर्गन्स को इसने महफूज बनाया हुआ है। तो सीलोम की बुनियाद पे बाज जानदार होते हैं ए सीलोमेट, यानी इनमें सीलोम नहीं होती।
इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कुशन नहीं है। दूसरे होते सीडोसिलोमेट, इसमें एक मस्नूई तरह की सिलोम होती है, ट्रू सिलोम नहीं होती, तो ये जानदार फिर सूडोसिलोमेट कहलाते। और तीसरे हैं सीलोमेट, यानी इनमें प्रॉपर सिलोम होता है और वो प्रोटेक्ट करता है। अब अगर मैं एक मिनट के लिए तस्वीर को हटाऊं तो देखें फ्लेट वर्म्स में ये जानदार ए सीलोमेट है, राउंड वर्म्स सीडोसिलोमेट है, और बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा ये सीलोमेट है। तो अब अगर मैं दोबारा से आपसे पूछूं कि कौन से जानदार सूडोसिलोमेट है, तो सब हाथ उठाएंगे कि नेमाटोड्स हैं। तो ये कुछ मामला इस तरह से होता है। दोबारा से देखें, ए सीलोमेट डू नॉट हैव अ कैविटी आउटसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कोई कैविटी नहीं है, और इसमें जो है वो सूडोसिलोमेट से बॉडी कैविटी दैट डज नॉट कंप्लीटली सराउंड द ऑर्गन, ऑर्गन्स को ये कंप्लीटली सराउंड नहीं करती, और सीलोमेट्स में ये कंप्लीटली सराउंड करती है। तो ए सीलोमेट माना सीलोम है नहीं, सीलोमेट माना सीलोम है, सीडोसिलोमेट में सीलोम इट्स अ काइंड ऑफ सीलोम विच डज नॉट गिव अ फुल प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन। किर्न में एनिमेलिया के जानदारों को रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे भी डिवाइड किया जाता है, बाज सिर्फ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बाज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनमें जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें से कुछ एसेक्चुअल करते हैं कुछ सेक्चुअल करते हैं। तो तीन टाइप्स है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नाइदर मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड नार गोनेट्स एंड गेमेट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये जानदार एसेक्चुअल है, सेक्चुअल में मेल फीमेल गोनेट्स और गेमेट्स सब रिक्वायर्ड होते हैं, और बाज़ोकात एक ही जानदार खुद मेल भी होता है और खुद मेल भी फीमेल भी होता है, और उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और उसमें दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरे जानदार होते हैं पार्थेनोजेनेसिस से ब्रीड करने वाले, तो ये तो न नर न मादा न गैमेट न गोनेट्स, इनमें नर भी मादा भी गैनेट्स भी गैमेट्स भी गोनेट्स भी, और नर और मादा अलग होंगे तो यूनिसेक्चुअल, और नर और मादा साथ एक ही जानदार में होंगे तो ये बाइसेक्चुअल होंगे। अब पार्थेनोजेनेसिस में आपको समझाना चाहता हूं कि एक फीमेल है और उससे मेल ने फर्टिलाइज करना है। आप जानते हैं कि मेल फीमेल क्या बनाती है, मैं आपको स्क्रीन से ड्राइंग के जरिए से बना के, ये जो फीमेल है ओवा बनाती है, एक ये दो ये तीन और ये चार। आप जानते हैं ना कि मियोसिस सेल डिवीजन में आखिर में चार गैमेट्स बनते हैं मेल के और चार गैमेट्स बनते हैं फीमेल के, तो ये फीमेल के गैमेट्स हैं। सपोज कीजिएगा कि इनका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर सबका है चार, इसका भी चार, इसका भी चार और इसका भी चार। ये मैंने चार चार इसलिए लिखा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये फीमेल का एक ओवम है और बाकी ये जो तीन होते हैं उन्हें कहते हैं पोलर बॉडीज। तो ये मादा साहिबा जो है नर के इंतजार में रहेगी, तो नर जो इसकी तरफ स्पर्म भेजेगा उस स्पर्म में भी चार क्रोमोसोम्स होंगे, तो चार मेल के और चार फीमेल के, तो आठ वाला जायगोट बनेगा और उस जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। पर अगर क्या कहते हैं कि जुल्म की इंतहा है, मजाक में कह रहा हूं, अगर यहां पे हम एक लकीर डाल देते हैं कि फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए मेल अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि मेल ने आना है तो चार क्रोमोसोम अपने साथ लेकर आना है, तो चार क्रोमोसोम मेल के हेप्लाइड और चार क्रोमोसोम फीमेल के हेप्लाइड, तो हेप्लाइड प्लस हेप्लाइड इज इक्वल टू डैप्लाइड। लेकिन यहां मेल अगर नहीं आया तो मादा क्या करेगी? अपना दोबारा से मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, मादा क्या करेगी? अपने पोलर बॉडी में से एक पोलर बॉडी उठाएगी जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम चार है। तो एक तो ओवम से उठाया और ये तीनों भी ओवम ही हैं, लेकिन कहलाएंगे पोलर बॉडीज क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ये हिस्सा लेगा। तो एक ओवम फीमेल ने अपना यहां से उठाया और दूसरे पोलर बॉडी को मिला लिया, तो चार प्लस चार क्या बनेंगे? आठ। तो ये जायगोट बना आठ का, और इस आठ वाले जायगोट में जो आठों के आठों क्रोमोसोम है वो फीमेल से आए हैं, मेल कहीं गया हुआ है छुट्टी पे दुबई और अवेलेबल नहीं। तो फीमेल क्या करेगी? अपने ही पोलर बॉडी में से क्रोमोसोम उठाकर चार पहले वाले, चार उधर से उठाकर आठ की तादाद मुकम्मल करेगी और एट वाला जायगोट बनेगा, और उस जायगोट से फिर नया जानदार आएगा। लेकिन शर्त यह है कि जो नया जानदार आएगा वो फीमेल होगी, और जिस फीमेल के ये अंडे हैं उसी की हम शक्ल होगी। इसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी फीमेल को फर्टिलाइजेशन के लिए मेल ना मिले, कोई बात नहीं, तो भी अगर फीमेल अपने अंडे और अपने पोलर बॉडी के क्रोमोसोम के हेप्लाइड को डिप्लाइड में कन्वर्ट करके नेक्स्ट जनरेशन बना सके तो ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। और ये इंसेक्ट्स में तो बहुत कॉमन है, रेप्टाइल्स में भी कॉमन है, रेट्स में भी ये होता रहता है। अब आते हैं मेटामॉर्फोसिस पे। देखिए, इंसान का बच्चा, छिपकली का बच्चा, चलो परिंदे का बच्चा, जब अंडे से निकलता है तो परिंदे का बच्चा परिंदा लगता है सिवाय इसके के छोटा हो। चूजे में और मुर्गी में साइज के अलावा और क्या फर्क है? लेकिन बाज जानदार ऐसे होते हैं कि उनके अंडे से निकलने वाला बच्चा वालदेन से बिल्कुल मुशाबत नहीं रखता। अच्छा, एक मैं आपको आज नई बात बताता हूं। अंडे से निकलते वक्त अगर कोई बच्चा वालदेन से मुशाबत रखता है तो वो चिक कहलाएगा, भले वो मुर्गी का हो, भले वो सांप का हो, भले वो छिपकली। डेफिनेशन जो डिक्शनरी में फ्रेश हैचलिंग फ्रॉम द एग इज कॉल्ड चिक। मेटामॉर्फोसिस में ये है कि बाज जानदारों की, मसलन ये बटरफ्लाई है, इसने अंडा दिया था और अंडे से जो जानदार निकला है तो ये बटरफ्लाई होना चाहिए ना, लेकिन ये इस शक्ल का है, ये लार्वा कहलाएगा, कैटरपिलर लार्वा। ये इसके अंडे से निकला लार्वा, खाता खाता चंद हफ्तों में ये बन जाएगा प्यूपा, और प्यूपा के अंदर से बाहर से कैप्सूल डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर सेमी एडल्ट मक्खी होगी, फिर ये जब प्यूपा फटेगा तो ये मक्खी इसमें से बरामद होगी, उड़ जाएगी। तो देखें, एडल्ट ने एक दिया, एक से लार्वा निकला, पेरेंट्स जैसी शक्ल नहीं है, लार्वा से प्यूपा निकला, पेरेंट्स जैसी शक्ल नहीं है। तो ये जो वक्फे वक्फे से तब्दीलियां आती हैं मॉर्फोलॉजी में जानदार के डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर, तो इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये मैं आगे जब फाइल मार्थो पढ़ाऊंगा तो मेटामॉर्फोसिस का जिक्र होगा, तो उसमें अगर पहले डेफिनेशन बताई तो अब आपको आसानी होगी कि ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, अगर एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एक से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट और सेमी एडल्ट और सेमी एडल्ट से एडल्ट, तो ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा, और ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये मैं आपको फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस समझा रहा हूं। ये देखिए, एडल्ट फ्रॉग है, इसने अंडे दिए, ये फर्टिलाइज्ड एग हैं, इनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, एग्स की हैचिंग हुई तो ये टेडपोल लार्वा नजर आ रहे हैं, टेडपोल लार्वा।
अब देखिए फ्रॉग के अंदर दुम नहीं है, लार्वा के अंदर दुम है। तो ये लार्वा अपनी अशकाल तब्दील करता कराता ये सेमी एडल्ट बन जाता है, लेकिन ये भी फ्रॉग नहीं है। जब इसका टेल करटेल हो जाएगा तो फ्रॉग बन जाएगा। तो एक से लेकर लार्वा तक, और लार्वा से लेकर फिर सेमी एडल्ट तक, फिर एडल्ट तक, कई शक्लें बदल गई हैं ना फ्रॉग की। इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हम एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मोल्टिंग। बाज जानदार ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म पे बनने वाली जो खाल होती है वो बनने के बाद उसमें बढ़ने की लचक नहीं होती। मेरी और आपकी खाल बचपन में हम इतने थे तो भी हमारे जिस्म पे फिक्स हो रही थी, और अब हम बड़े हो गए हैं 5.5 फिट पौने 6 फिट के, तो भी हमारी खाल हमारे जिस्म के ऊपर फिक्स है। लेकिन कुछ जानदारों की खाल फिक्स मतलब उनके जिस्म के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नहीं है, तो बॉडी की ग्रोथ में रुकावट डालती है। तो जानदार क्या करते हैं, उस पुरानी खाल को उतार कर अंदर से नई खाल बना लेते हैं। पहले नई खाल बनती है और जैसे वो बन गई तो पुरानी उतर जाएगी। इसको कहते हैं मोल्टिंग, रिमूवल ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड मोल्टिंग। और कई जानदार बार बार मोल्टिंग करते हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर तो ये पहचान है कि उनके जो जानदार हैं वो तो मोल्टिंग करते हैं। प्रोटोस्टोम्स क्या है और डीटोरिस्टोम्स क्या है, मुझे दोबारा से ये तस्वीर हटानी पड़ेगी। देखें डेवलपमेंटल स्टेजेस में आप देखें कि अगर ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो, ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप हो तो ये जानदार प्रोटोस्टोम्स है, और अगर ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप हो जिन जानदारों में तो वो जानदार ड्यूटेरोस्टोम्स है। इसमें कई लोग कई वजाहतें करते हैं, कुछ कहते हैं माउथ पहले बनता है एनस बाद में बनता है, लेकिन सही डेफिनेशन यही है कि डेवलपमेंट के दौरान ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोपोर कैविटी, और जो जानदार ब्लास्टोपोर कैविटी से माउथ बनाते हैं वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं और उनके पास एनस नहीं होता, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं वो ब्लास्टोपोर से अपना एनस बनाते हैं। आप फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 में सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, वहां वाजे हो जाएगा कि किन में सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ भी वही होता है एनस भी वही होता है, और बाज जानदारों में माउथ अलग होता है और एनएस अलग होता है। तो प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की डेफिनेशन ये है। एम्ब्रियोनिक के डेवलपमेंट के दौरान जायगोट जब मजीद डेवलपमेंटल फेज में चला जाता है तो बाज जानदार दो जर्मिनल लेयर से बनाते हैं और उनमें से पूरी बॉडी डेवलप होती है, और ये दो जर्मिनल लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जानदार जो दो जर्मिनल लेयर से पूरी बॉडी की तखलीक करे ये डिप्लोप्लास्टिक हैं, और जिनमें तीन जर्मिनल लेयर बनाए एक्टोप्लाज्म एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक। Those animal organisms which develop their whole body from the two body layers, they are diploplastic. जिनमें तीन body layers use हो जाए वो triploplastic. Students जब हम kingdom animalia को classify करते हैं तो अक्सर शुरुआत करते हैं phylum Porifera से, लेकिन एक group of animal ऐसा भी है जिसको Parazoa कहते हैं। इट रिफर्स टू पोरीफीरा ग्रुप इन टू ए सब किंगडम बिकॉज दे लेक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फाइलम पोरीफीरा है ना, ये आपको स्पंज ही नजर आ रहा है, इनको पैराजोआ कहते हैं। अब पैराजोआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारे जिस्म का हाल ये है कि अगर हम यहाँ छुएं तो यहाँ कोई पिंक चुभे तो पूरे जिस्म में दर्द ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि हमारे सेल टू सेल एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ऐसे जानदार जिनके बॉडी सेल से बनी हुई है और एक बॉडी सी दिख रही है, लेकिन इन सेल्स को एक दूसरे के पता, इस सेल को ये पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, इसको ये पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, यानी सेल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई
ऑर्गेनाइजेशन यानी राबिता नहीं है तो ये ग्रुप पैराजोआ कहलाएगा। एक और ग्रुप होता है यू मेटाजोआ, इसमें एक्सेप्ट पोरीफीरा यानी एक तरफ आपके आ गए पोरीफीरा और बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के फाइलम में उनको कहेगा, उनको कहा जाएगा यू मेटाजोआ। यानी किंगडम एनिमेलिया को दो ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, पैराजोआ जिसमें पोरीफीरा आ जाते हैं और यू मेटाजोआ जिसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इट विल बी लाइक दैट। किंगडम एनिमेलिया में चंद मिलीमीटर के डायमीटर वाला एक जानदार है जो ट्राइकोप्लेक्स कहलाता है और एनिमल किंगडम में ये सबसे ज्यादा छोटे स्मॉलेस्ट एनिमल ऑर्गेनिज्म। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आप आ जाएं तो इसमें जायंट स्क्विड जो फाइलम मोलस्का से ताल्लुक रखता है 18 फीट इसकी लेंथ होती है, तो ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। और वर्टिब्रेट्स में ब्लू वेल है और 40 मीटर इसका वजन है, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, और 160 टन इसका 40 मीटर इसकी लंबाई है और 160 टन इसका वजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में दो तीन बार डिस्टर्बेंस भी हुई, बिजली भी चली गई, लेकिन मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाजे कर दी। अब कल से जो मैं पढ़ाऊंगा फाइलम पोरीफीरा जिसको पैराजोआ कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एनिमेलिया तो हिस्सों में पैराजोआ और यू मेटाजोआ, पैराजोआ में पोरीफीरा पढ़ेंगे और यू मेटाजोआ में बाकी सारे फाइला पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, शायद दोबारा बरसात होने जा रही है या वो हो रही होगी, मैं तो अंदर स्टडी रूम में हूँ। मेहनत करते रहें, रिवार्ड मेरा रब देता है। अल्लाह हाफिज़।